हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 06 का यूनिट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस यूनिट के अंदर में हम जानेंगे कि MHI 06 के यूनिट थर्ड के अंदर में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इन यूनिट के अंदर में बनते हैं, लेसन तो हमें पता चल गया कि कितने लेसन है, साथ साथ में क्या टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक के बेसिस पे क्या क्वेश्चंस के पैटर्न बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको हम इस यूनिट के अंदर में कवर करेंगे। अभी तक मैंने यूनिट फर्स्ट और सेकंड की वीडियो करवा चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट थर्ड को डिटेल में समझेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको आपको रफली एक आइडिया मिल जाएगा कि इस यूनिट के अंदर में हमें ये चीज पढ़ना है, जिससे आप इजिली आसानी से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। बट साथ में एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एमए हिस्ट्री MHI 06 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो दी इनफ के ऊपर में लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर डला हुआ है MHI 06 का, तो आप उसको देख सकते हो। उससे गारंटी मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट आपका 90% जो सिलेबस है कवर हो जाएगा और बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको उस वीडियो से। तो वीडियो को देखिए और जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो के ऊपर में आपका, उसके बाद में यूनिट 4, 5, 6 जो भी है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ यूनिट थर्ड का नाम क्या है, तो प्रारंभिक ऐतिहासिक समाज, जो स्टार्टिंग का ऐतिहासिक समाज था वो किस प्रकार का था, ठीक है, उसका टाइम पीरियड हम कैसे कवर करते हैं, तो 6 ईसा पूर्व से लेकर 4 ईसा पूर्व तक का पूरा जो टाइम पीरियड है वो कवर करते हैं, ठीक है। 6 से लेकर 4 ईसा पूर्व का जो पूरा टाइम पीरियड है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, शहरी वर्ग। शहर का वर्ग कौन कौन से थे, शहरी वर्ग कौन से थे, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं व्यापारी, ठीक है, शिल्पकार, खेतिहर बस्ती वाले, और पूरा जो खेतिहर बस्ती का किस तरह से विस्तार हुआ। खेतिहर बस्ती होता क्या है, तो खेतिहर बस्ती मतलब खेती करने वाले लोगों की बस्ती, उसकी बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनली है दो टॉपिक आता है, दो टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर में आते हैं। कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो पहला आता है शहरीकरण को लेकर, ठीक है, शहरीकरण के विस्तार को लेकर, ठीक है, शहरीकरण, शहर, शहर का बना, शहर का किसी ना किसी तो बना होगा ना। शहर के अंदर में होता क्या, शहर के अंदर में क्या होता है, व्यापारी व्यवस्था होती है, शिल्पकारी व्यवस्था होती है, खेतियर बस्ती धीरे धीरे विकसित हो चुकी होती है, तो उसके बारे में हम शहर के तौर पे उसको डिफाइन करते हैं। तो शहरीकरण के दो चरण होते हैं, जिसमें विस्तार का पहला चरण क्या था और विस्तार का दूसरा चरण क्या था, ये दोनों टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर में बनते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है कि शहरीकरण के दूसरे मतलब दूसरा जो चरण रहा, शहरीकरण का जो दूसरा चरण रहा, ठीक है, शहरी वर्ग का दूसरा चरण रहा, या प्रारंभिक ऐतिहासिक समाज के अंदर में दूसरे शहरीकरण को समझाइए, दूसरे जो शहरीकरण का विकास हुआ, विकसित हुआ, विस्तार हुआ, उसको समझाइए, या प्रथम शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको समझाइए। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये बनकर आता है। अब देखो, प्रथम शहरीकरण की प्रक्रिया के अंदर में क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल लोग थे, जो जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, संग्रहण करते थे, और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने कि खानाबदोश की जिंदगी जीने लगे, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पशुपालक के तौर पर रहने लगे, पशुओं को पालने लगे, ठीक है, पशुपालक के बाद पशुपालक खानाबदोश की जीवन व्यतीत करने लगे, मतलब पशुओं के साथ में एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे खेती की ओर बढ़ने लगे, एक जगह रुककर वो खेती करने पे जोर देने लगे, और उसके बाद उन्होंने खेतिहर बस्ती के तौर पर विस्थापित अपने आप को कर लिया। तो ये पहला चरण के तौर पर देखा जाता है। दूसरे चरण के तौर पर यह देखा जाता है कि जो लोग थे वो विकसित हुए, विकसित होने के बाद एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे, ठीक है, जो अलग अलग तरह के जो लोग थे, ठीक है, जैसे मान लो कोई नाई है, कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, तो वो एक जगह जाकर इकट्ठा होगा जहां पे व्यापार का संसाधन था, ठीक है, अपने रोजगार, अपनी जो शिल्पकार जो विधि थी उसको अपना विकास कर सके, ठीक है, मतलब अपने आप को विकसित कर सके, एक जगह आकर इकट्ठा हो गए। शहर के अंदर में सारी सुविधा एक जगह मिलती है, तो एक जगह जब इस तरह से व्यवस्था हुई तो वो शहरीकरण का दूसरा प्रक्रिया रहा। दूसरे प्रक्रिया के अंदर में किस तरह से शहरीकरण का विकास हुआ उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। यही दो टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं, शहरीकरण का प्रथम प्रक्रिया और शहरीकरण का द्वितीय प्रक्रिया क्या था, उसको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 9 की बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है चैत्य विहार और उनका आदिवासी समूहों के अंतर्गत संपर्क, ठीक है, चैत्य विहार। इस चैप्टर के अंदर में कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, नॉर्मली वो इसके अंदर में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की विशेषता क्या था, जो एक टॉपिक बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कह सकते हो इस चैप्टर का। तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन बौद्ध धर्म के रिलेटेड कि बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है, खासियत क्या है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म किस तरह से अपने आप को डिफाइन करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। पीछे वाला जो यूनिट था उसके अंदर भी मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, तो वहां से आप इसको देख सकते हो, उस वाले चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड इस वाले टॉपिक के अंदर में। यहाँ पे जो जानने वाली चीजें ये है कि चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। बिहार, बिहार वाला नहीं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो वो वाला बिहार की बात नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पे विहार और चैत्य होता क्या है,
तो चैत्य को कहा जाता है कि बौद्धकालीन जो पवित्र स्थल होते हैं, बौद्ध धर्म के जो पवित्र स्थल होते हैं, उसको चैत्य कहा जाता है। और विहार क्या होता है, तो एक ऐसा कक्ष, एक ऐसा रूम जो चारों तरफ से क्या हो, दीवारी हो, कोठरी जैसा हो, ठीक है, उसको चैत्य कहा जाता है, वो विहार कहा जाता है, सॉरी, उसको विहार कहा जाता है। चैत्य एक बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल, विहार जो कोठरी के आकार का एक रूम हो, एक कक्ष हो, उसको विहार कहते हैं, ठीक है। इसके इस चैप्टर के अंदर में क्वेश्चन क्या बनता है कि बौद्ध धर्म की विशेषता बताइए, वो आप बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगला चैप्टर जो हमारा आता है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रारंभिक तमिल समाज। तमिल समाज किस प्रकार का था, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्षेत्र और उनकी संस्कृतियों की वीर पूजा की परंपरा क्या थी, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। नॉर्मली इस चैप्टर के अंदर में दो टॉपिक आते हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। वो टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है का संगम साहित्य का, ठीक है। संगम युग, संगम युग क्या था, किस प्रकार से संगम युग रहा, और संगम साहित्य से जो तमिल समाज, मतलब तमिल समाज के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है, हमें तमिल समाज के बारे में जानकारी मिलती कैसे है, तो किससे मिलती है, तो संगम साहित्य से मिलती है। तो पूरा संगम युग या फिर संगम साहित्य या फिर तमिल समाज के बारे में जब भी क्वेश्चन बनेगा, तो इसके बेसिस पे ही आपको पूरा आंसर डिफाइन करना होगा, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे जो आगे पूछ रहा है ना, क्षेत्र उनकी संस्कृतियों की वीर पूजा, ये सब बस इग्नोर कीजिए। मेनली जो टॉपिक है आपका प्रारंभिक तमिल समाज, और उसके बेसिस को आंसर कैसे दोगे, तो संगम साहित्य को लेकर आप यहाँ पे आंसर दोगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर में बात करा जाता है कि विवाह और पारंपरिक जो पारिवारिक जीवन है, किस तरह से विवाह और फैमिली की जो लाइफ है, फैमिली लाइफ है, ठीक है, पारिवारिक जीवन, अस्पृश्यता की धारणा, वर्ग, वर्ण और जाति के बदलते स्वरूप, किस तरह से जो जाति और वर्ण का स्वरूप बदला, ठीक है, परिवार और वैवाहिक, परिवार और वैवाहिक संबंध किस प्रकार से होते हैं, उसको रिलेटेड यहाँ पे एक टॉपिक बन जाता है। किस तरह से परिवर्तन होता है समाज के अंदर में, उसके बारे में यहाँ पे बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, अगर इसको थोड़ा सा मैं रफ करूँ, जिससे मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूँ, जो मैंने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन समझाए थे, तो लास्ट के अंदर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, 2 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन ये वाला, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के भी, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 के। यहाँ पे क्वेश्चन टॉपिक क्या बनते हैं, यहाँ पे दो टॉपिक बनते हैं। पहला आता है विवाह के स्रोत, ठीक है, विवाह के स्रोत मतलब क्या भैया, कि किस तरह से विवाह होगा, कैसे पता चलेगा। तो देखो, मैं राजपूत हूँ, तो नॉर्मली कई सारे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने मतलब क्या, अलग अलग उपनिषद, अलग अलग ग्रंथों के आधार पर ये तय किया गया है, या उसमें जिक्र किया गया है कि विवाह की प्रक्रिया किस तरह की है, ठीक है। विवाह को करने से पूर्व क्या होता है कि हमें जाति के आधार पर हम वर को ढूंढते हैं, अलग अलग तरह के विवाह के तरीके होते हैं। तो मैंने 8 तरीके आपको लास्ट टाइम बताया था, जिसमें देव विवाह, ठीक है, प्रजा विवाह, ठीक है, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, इस तरह से करके 8 तरीके होते हैं जिनके बेसिस पे शादी की जाती है। आपने किस तरह से शादी की, अगर आपने लव मैरिज किया तो वो गंधर्व विवाह के तौर पर देखा जाता है, अगर आपने मान लो लड़का लड़की दोनों राजी हैं तो वो देव विवाह के तौर पर देखा जाता है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, तो उन आपकी शादी किस में, वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। साथ साथ में जब हम शादी के बारे में बात करें, विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है वर्ण के आधार पर, आपका वर्ण क्या है, वर्ण के आधार पर वर का चयन करूंगा, ठीक है। ये नहीं होता ना, हम किसी को भी पकड़ के ले आए शादी कर दिया, ऐसा तो होता नहीं, पॉसिबल नहीं है। लव मैरिज में तो चलो समझ में आता है कि आपने दिल मिल गया तो आपने कर लिया, पर नॉर्मली प्रक्रिया क्या है कि एक वर्ण के आधार पर लोगों को चयन करना। साथ में आपने अपने घर में देखा होगा कि गण मिलाता है, गण मिलाया जाता है, गुण मिलाया जाता है, गण या गुण कह लो, गुण मिलाया जाता है कि लड़का लड़की कितने गुण मिल रहे हैं, कहते हैं 36 के 36 गुण मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग के आधार पर, ठीक है, गणों को मिलाया जाता है, जिसके अंदर में 3 प्रमुख गण होते हैं। कौन कौन से गण होते हैं, तो देवगण, मानवगण और नरगण। देवगण, मानवगण और असुरगण होते हैं, 3 गण होते हैं, ठीक है। इन तीनों गण, गण मतलब होता है लोग, गण मतलब होता है गुण, गण मतलब होता है संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें देखा जाता है। देवगण, तो देव और मानव साथ में है तो रह सकते हैं, देव और असुर साथ में है तो रह सकते हैं, पर मानव और असुर साथ में है तो नहीं रह सकते हैं, ये चीजें देखी जाती हैं। और एक नंबरों के जोड़ के हिसाब से इसको मिलाया जाता है, ठीक है, समझ में आता है। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू पता चलता है कि ये लड़का कैपेबल है या नहीं है, लड़का लड़की साथ में रह सकते हैं नहीं रह सकते, सुखी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी, तो इसके आधार पर यहाँ पे मिलाया जाता है, जाति के आधार पर। तो ये व्यवहार करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस तरह से वर्ण व्यवस्था बना, उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को बताइए, कैसे उत्पत्ति हुई उसकी, उसको यहाँ पे जिक्र कीजिए, वहां पे ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। तो इस यूनिट के अंदर में, जो यूनिट 3rd था, इसके अंदर में हमें यही पढ़ना था, इतना ही था इस यूनिट के अंदर में। आगे की यूनिट के लिए जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो के ऊपर में, उसके बेसिस पे मैं आगे की यूनिट्स की भी वीडियो में बना दूंगा। तो एज यूजुअल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।